स्वागत है आप सभी का YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, जब हम महिलाएं खाना बनाती हैं घर में, तो अगर उसमें एक भी इंग्रेडिएंट कम पड़ जाए या एब्सेंट हो, तो क्या खाने में टेस्ट आएगा? बिल्कुल ऐसा ही हमारे शरीर के साथ है। जितने भी पोषक तत्व हैं, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स सबकी बात करें, इनमें से कोई भी एक चीज अगर हमारे शरीर में कम है, डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं, जिसकी कमी हमारे शरीर में है, तो शरीर की कोई ना कोई क्रिया जरूर प्रभावित होगी। तो ऐसे बहुत सारे मैंने आप सभी के साथ वीडियो शेयर किए हैं न्यूट्रिशन से, कि किस तरीके से न्यूट्रिशन ठीक से लेके आप अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, स्पेशली फर्टिलिटी के रिगार्ड में और वुमन हेल्थ के रिगार्ड में। इसी क्रम में आज एक विशेष तत्व है जिंक, उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाली हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये, आपके शरीर की किन किन क्रियाओं को प्रभावित करता है, और फर्टिलिटी एज में महिलाओं और पुरुषों की जिंक की कमी से क्या क्या लक्षण होते हैं, और उनसे कौन कौन सी क्रियाएं प्रभावित होती हैं, और जिंक आप कैसे ले सकते हैं। बहुत सरल और आसान चीजें की बात करेंगे। तो फिर सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जिंक की कमी हमें है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षणों की। जिंक की शरीर में कमी है, इसके कौन कौन से लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं, महिलाओं में और पुरुषों में, सभी में। जिंक की कमी होने से अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होने लग जाता है, घाव बहुत जल्दी नहीं भरते, लैक ऑफ अलर्टनेस, आपके अंदर अलर्टनेस की कमी आ जाती है, डायरिया हो सकता है, बार बार आपको डायरिया लग सकता है, या फिर भूख की कमी, एपेटाइट जो है आपका वो आपको बिल्कुल खत्म हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम है। कुछ फर्टिलिटी इश्यूज हैं जिनको भी हम जान लेते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में फर्टिलिटी एज में जिंक की कमी होने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। महिलाओं में अगर जिंक की डेफिशिएंसी है, तो जो एग्स बनते हैं महिलाओं में, हर महीने एक एग रिलीज होता है जिसको हम ओविलेशन कहते हैं, तो वो जो एग है धीरे धीरे मैच्योर होता है, फिर रिलीज होता है, तो जो अंडे के बनने की प्रक्रिया है उसमें अगर जिंक की कमी रहती है तो वो साइज में छोटे बनेंगे, आपकी जो एग क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी। साथ ही एग और स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो डीएनए होता है, उसके रिपेयर के एंजाइम्स को बनाने में जिंक का इम्पॉर्टेंट रोल है, तो डीएनए से रिलेटेड या जेनेटिक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर जिंक की ज्यादा डेफिशिएंसी है। सेम चीज पुरुषों में अप्लाई होती है जेनेटिक मटेरियल के रिगार्ड में, और बॉडी को प्रोटीन का निर्माण करने के लिए, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए जिंक की मात्रा बहुत जरूरी होती है, तो आपका जेनेटिक मटेरियल हेल्दी रहे, अच्छा रहे, इसके लिए जिंक लेना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिंक अगर प्लांट सोर्सेज से लिया जाता है तो वो बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। जिंक की डेली रिक्वायरमेंट महिलाओं में और पुरुषों में कितनी होती है, इसका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की गाइडलाइन आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे आहार से डेली इतनी मात्रा हम नहीं ले पाते हैं, तो धीरे धीरे करके डेफिशिएंसी होती है, और इससे प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हम फर्टिलिटी के एज में आते हैं और गर्भधारण नहीं हो रहा होता है महिलाओं को, हार्मोन्स में या फिर फर्टिलिटी रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। महिलाओं में जब एग बनने की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान मेटाबॉलिक सपोर्ट चाहिए होता है, तो मेटाबॉलिक सपोर्ट के लिए जिंक एक बहुत ही अहम पॉइंट होता है, एक बहुत ही अहम तत्व है जो कि अवेलेबल होना चाहिए बॉडी के अंदर। साथ ही अगर ओविलेशन डिस्टर्ब है तो हमें अपने पोषण के स्तर में जिंक को ध्यान दे लेना चाहिए कि जिंक की डेफिशिएंसी तो नहीं है। ना केवल ओविलेशन बल्कि इम्प्लांटेशन और ओविलेशन के बीच का जो समय होता है उसमें भ्रूण को पोषण देने के लिए जिंक बहुत जरूरी है। अगर बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है, भ्रूण को प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं मिल पा रहा है जिंक का, तो इम्प्लांटेशन के दौरान गलतियां रह जाती हैं और इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, या फिर लेटर ऑन मिसकैरेज, या फिर भ्रूण के विकास में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, कमियां रह सकती हैं। पुरुषों में अगर इसी तरह देखा जाए तो जिंक की कमी से स्पर्म की क्वालिटी भी घट जाती है और क्वांटिटी भी घट जाती है। जो लोग स्मोक करते हैं या फिर पोल्यूशन में ज्यादा रहते हैं, हैवी मेटल का कंटामिनेशन है बॉडी के अंदर, क्योंकि पोल्यूशन में जब हम रहते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे, सब चीजें पोल्यूटेड होती है, पानी, सब्जियां, अनाज, सब कुछ, तो जिंक जो है इस सारे पॉल्यूटिंग एजेंट्स की प्रभाव को खत्म करता है। इन्फ्लामेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां ट्रिगर होती हैं, तो इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए जिंक का शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की फंक्शनिंग हो या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना हो, सब में जिंक का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि जिंक कितना इम्पॉर्टेंट है फर्टिलिटी के एज में।
साथ ही जिंक की डेफिशिएंसी, हार्मोनल इंबैलेंस होता है और चेहरे पे काफी सारे एक्ने आ जाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जिंक को हमको एक सही कॉम्बिनेशन में सही मात्रा में लेना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप प्लांट बेस्ड जिंक सप्लीमेंट लें, जो कि मेडिसिन नहीं है, केवल एक सप्लीमेंट है आहार से हटके, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ओजीवा का बेटर जिंक। फ्रेंड्स, ये जिंक सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है। प्लांट बेस्ड जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो बॉडी के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें उनका लाभ मिलता है। साथ ही अगर इसमें हम देखें तो इसके अंदर मैग्नीशियम है जिंक के साथ और फॉलिक एसिड भी है। और चाहे आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे आप एनेमिक हो, चाहे आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती हो, उन सभी कंडीशन में आपको जिंक और मैग्नीशियम फॉलिक एसिड का ये सप्लीमेंट बहुत हेल्प करने वाला है। एक बार देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। इसमें कैमोमाइल है। फर्टिलिटी के लिए मैंने अपने कई वीडियोस में कैमोमाइल का जिक्र किया है, क्योंकि कैमोमाइल टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट अगर आप किसी भी सप्लीमेंट में ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है फर्टिलिटी के लिए। कैमोमाइल के अंदर एक्ने कंट्रोल की भी कैपेसिटी होती है, तो अगर आपको एक्नेस भी बहुत ज्यादा आते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है। इसके अंदर ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए भी हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही इसमें कई विटामिन और मिनरल भी हैं, जैसे कि विटामिन B5, B9। साथ ही इसके अंदर जिंजर का, अदरक का, ग्वावा यानी अमरूद का और पम्पकिन का एक्सट्रैक्ट भी है। तो मेरे लिहाज से फर्टिलिटी के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पे ये एक अच्छा ब्लेंड है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, स्पर्म अच्छे नहीं बन रहे, तो आप इस सप्लीमेंट को ले सकते हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं है जो साइड इफेक्ट करेगी, ये एक सप्लीमेंट है जिसको आप अपने डाइट के साथ में ले सकते हैं पूरक के तौर पे, कि डाइट में जो कमी है वो इसको लेने से पूरा होगा। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इसकी डोजेस क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जब आप परचेस करते हैं तो इसके अंदर एक पैक में आपको 30 कैप्सूल्स मिलते हैं। डेली आपको एक कैप्सूल लेनी है, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक कैप्सूल काफी है। लेकिन लेने का तरीका जरूर सुन लें। खाना खाने से एक घंटा पहले लेना है, लेकिन अगर खाना खाने से पहले आप भूल गए इसको लेना, तो आप खाना खाने के 2 घंटे बाद में इसको ले सकते हैं। और जब तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आते, तब तक आप इसको 2-3 महीने तक जरूर कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, इसकी खास बात है कि ये सभी तरह के कंटामिनेशन और केमिकल से फ्री है, पूरी तरह से फ्री है। प्लांट एक्सट्रैक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसको चिंता मुक्त होकर ले सकते हैं। इसको परचेस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये प्रोडक्ट आप केवल ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, लिंक को टच करें और प्रोडक्ट मंगवा लें। साथ ही खान पान में कुछ ऐसी चीजें जैसे तुलसी है, शतावरी है, एग है, मशरूम है, दालें जितनी है, साबुत अनाज, इनमें भी जिंक बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने खान पान में इस सप्लीमेंट के साथ में वो सारी चीजें भी प्रायोरिटी से रखें, आपको इनका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।